सबसे पहले यहाँ पे हर स्टेट के बच्चे हैं, यहाँ पे भारत के कोई ऐसा स्टेट नहीं है, इवन एक दो चार फॉरेन। मुझे ये पता चला कि BHU एक बहुत अच्छा संस्थान है जिसमें लॉ का पढ़ाई होता है, तो मैंने LLB हॉनर्स में अपना एडमिशन लिया यहाँ। आगे मैं अपने आपको बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मालवीय जी की बगिया में रहने का अवसर प्राप्त हुआ मुझे। ऑनलाइन में ये हुआ था कि हम लोग मेंस लिखने का तरीका नहीं जानते थे, अपने ऐसे ओपन बुक था एग्जाम छाप देते थे। पैसे के चलते और गरीबी के चलते न्याय नहीं मिल सकता है उन लोगों के लिए। हम सभी भाई बहन जो हैं हमेशा तत्पर रहेंगे सेवा करने के लिए, कभी भी किसी भी समय उन लोगों के लिए कार्य करने के लिए और निःशुल्क कार्य करने के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे, और उससे हम लोग मानेंगे कि हम लोग को एक बहुत अच्छा सुना। हेलो एंड वेलकम। सो टुडे आई एम इन भगवान दास हॉस्टल टेकिंग इंटरव्यू विद माई सीनियर्स, ऑब्वियसली दे आर इन थर्ड ईयर LLB, एंड टुडे आई केम टू टॉक विद देम देयर जर्नी, हाउ दे हैव स्पेंडेड देयर होल 3 years लाइफ इन हॉस्टल एंड ऑल्सो देयर जर्नी इन फैकल्टी, हाउ दे स्टडीज। So let's talk with them, get a more information experience of them. Hello everyone. Hello. So let's introduction with your name. My name is Ashutosh Kumar Pandey. मैं LLB 6th semester का छात्र हूँ और मेरा सेक्शन ए है। जैसा कि सबसे पहले हम थैंक्स बोलना चाहते हैं क्योंकि आपने अपने चैनल पर हम लोगों को सब लोगों को जोड़ा। हम एक्चुअली बिहार से हैं, बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट और छपरा जिला से हैं, और सोचे तो विलेज से ही हैं, गांव से ही जुड़े हुए इंसान हैं। और यहाँ पे हम 2020 में हम लोगों ने सबसे पहले, उस समय कोविड का टाइम था, उस समय हम लोगों ने यहाँ पे एडमिशन हुआ, और हम लोग 1.5 साल मतलब थर्ड सेमेस्टर तक हमने ऑनलाइन ही पढ़ाई किया था घर पे ही, और ऑनलाइन में भी हम लोग 7 घंटा कंसेक्यूटिव पढ़ाई करते थे और क्लास चलता था, एट द टाइम चलता था, और हर प्रोफेसर 1 घंटा का क्लास लिया करते थे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे फरवरी 2022 में यहाँ पे फाइनली हम लोग ऑफलाइन खुला और यहाँ पे हम लोग आए। लेकिन यहाँ पे आने के बाद हम लोगों को मतलब जो पहले यूनिवर्सिटी में जो भी पढ़ाई किया था और यहाँ मतलब बहुत सारे डिफरेंट देखने को हम लोग को मिला, और यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिली। सबसे पहले तो इतना अच्छा हॉस्टल मिला, इसके लिए थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू यहाँ के सभी जिसके द्वारा हम लोग को ये मिला मैनेजमेंट। यहाँ पे आने के बाद आदमी ऑफलाइन टीचर से विजिट किया, हर प्रोफेसर के चैम्बर में गया, सर से वहाँ पे एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिला, और यहाँ से हम लोग हर सब्जेक्ट वाइज तैयारी करने स्टार्ट किए, और यहाँ से हम लोग हॉस्टल से बस की फैसिलिटीज़ मिली, हेल्थ सेंटर मिला, लाइब्रेरी मिला, बुक मिला, हर चीज़ मतलब हर फैसिलिटी जो एक स्टूडेंट को अपने लाइफ में मिलना चाहिए हर फैसिलिटी वहाँ पर हम लोग को मिला। और यहाँ पर बच्चे का जो इन्वायरमेंट है, हर बच्चे काफ़ी मतलब डाइवर्सिटी से आते हैं, अलग अलग एरिया से आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हर स्टेट के बच्चे हैं, यहाँ पे भारत के कोई ऐसा स्टेट नहीं है, इवन एक दो चार फॉरेन कंट्री के भी यहाँ पे स्टूडेंट मिल जाएंगे, और उनके साथ रह के जुड़ने में और पढ़ने में ऐसा लगता है जैसे लगता है कि हम लोग सब लोग भाई हैं। और वहाँ पे पढ़ने में एक और भी फायदा होता है, अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिलती है। यहाँ पे LLB में सबसे बड़ी बात होती है कि अलग अलग उम्र के लोग हैं, कुछ यहाँ पे हमारे भैया लोग UPSC का मतलब इंटरव्यू देके भी आए हुए हैं, कुछ लोग यहाँ पे BPSC क्वालिफाई करके भी आए हुए हैं, कुछ लोग का दरोगा में भी सिलेक्शन हो गया, कुछ लोग मतलब रेलवे वाले भी, हर लोग का मतलब अलग अलग अनुभव है, क्योंकि LLB की कोई लिमिट नहीं होती, ना लॉ की कोई सीमा होती है। यहाँ पे टिल डेथ आपको पढ़ना है, जब तक मतलब सांसें चलेगी तब तक किताब के साथ ही जीना है, ये फैक्ट है। क्योंकि लॉ में आने से पहले ये चीज़ माइंड प्रिपेयर होना चाहिए, प्लान होना चाहिए कि टिल दैट वी हैव टू स्टडी। नमस्ते, मेरा नाम विकास जाट है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैंने जब यहाँ का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा था तो मुझे ये पता चला कि BHU एक बहुत अच्छा संस्थान है जिसमें लॉ का पढ़ाई होता है, तो मैंने LLB हॉनर्स में अपना एडमिशन लिया यहाँ। जब मैंने एडमिशन लिया था तब कोविड पेंडेमिक का टाइम था, लेकिन उस वक्त भी ऑनलाइन पढ़ाई का सुविधा दिया गया यूनिवर्सिटी के द्वारा। जब हम यहाँ आए और हमने फिजिकल रूप से यहाँ पढ़ाई का तैयारी किया तो ऐसे लगा कि हमको कि जैसे अच्छा यूनिवर्सिटी है और अच्छा पढ़ाई होता है। उसमें हमको बेनिफिट ये मिला कि सभी प्रोफेसरों ने अच्छे से हमको पढ़ाई करवाया, उन्होंने बताया कि कैसे कैश लो स्टडी करने हैं, कैसे आपको अपना एकेडमिक्स तैयार करना है, कैसे आपको लाइब्रेरी में जाना है, वहाँ पढ़ाई करना है, कैसे आपको स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करना है, अपने सीनियर्स जो एडवोकेट यहाँ से निकले हैं, जो जजेज बने हैं यहाँ से। BHU का एक बहुत अच्छा बात है कि यहाँ के एकेडमिक्स में बहुत एक्सीलेंस है और यहाँ से बहुत लोग जज बने हैं, बहुत लोग अच्छे अधिवक्ता बने हैं, बहुत सारे लोग UPSC में गए हैं।
और यहाँ तक कि यहाँ जो पढ़ने वाली बहुत सारी हमारी सहपाठी छात्राएं हैं वो कहीं DSP हैं, कहीं SP हैं, और बहुत अच्छा यहाँ का एकेडमिक एक्सीलेंस है। यहाँ के विद्यार्थियों को जो पढ़ते हैं, सभी को तो हॉस्टल का सुविधा नहीं मिलता, लेकिन जिनका एंट्रेंस एग्जाम में रैंक अच्छा होता है उनको हॉस्टल प्रोवाइड करवाया जाता है। उसी के साथ वो अपना तैयारी करते हैं और जब वो LLB ऑनर्स करके निकलते हैं तो वो एक बहुत अच्छे सभ्य नागरिक के रूप में निकलते हैं और वो अपनी आजीविका और जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी हमेशा तत्पर रहते हैं। और यहाँ का सबसे अच्छा एक बात है कि BHU में पढ़ने के बाद लोगों में ईमानदारी की भावना का बहुत अच्छा विकास होता है, जो कि मालवीय जी का मोटो था। आप मदरलैंड के हिसाब से जुड़ेंगे और आप देश का सेवा करेंगे। मैं ओम प्रकाश राज छपरा से हूँ। हम भी छपरा से हैं जी, तो हम तीनों छपरा से हैं। जी, मेरा नाम सौरभ कुमार शर्मा है और मैं छपरा से बिलोंग करता हूं। जैसा कि आशुतोष भाई ने कहा, वो भी छपरा से बिलोंग करते हैं और ओम प्रकाश भाई ये भी छपरा से बिलोंग करते हैं, मैं भी छपरा से बिलोंग करता हूं। जैसे कि इससे पहले हम SSC एस्पिरेंट थे, SSC का तैयारी करते थे और लॉ करने का कोई भी मेरा ये मोटिव नहीं था। लेकिन जैसा कि मेरे घर के भैया लोग किराए पर रहते थे और वो लोग जब यहाँ से लॉ करके गए और डायरेक्ट उनका मतलब फर्स्ट टाइम में ही उन्होंने जुडिशियरी क्रैक किया, कमलेश सिंह और पप्पू पंडित, यहाँ के दो स्टूडेंट छपरा से ही आए थे और दोनों फर्स्ट अटैम्प्ट में ही जुडिशियरी क्रैक कर दिया। तो फिर मेरे घर वालों ने मुझे कहना शुरू किया कि तुम भी लॉ कर लो, क्योंकि इससे पहले मैंने DU का एंट्रेंस निकाला था लेकिन एडमिशन नहीं लिया था। उस समय मेरा SSC CHSL का रिजल्ट आया था, इस वजह से मैंने फिर एंट्रेंस दिया और यहाँ पे मैं एंट्रेंस देने के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया यहाँ पे। फिर उस समय जो चूँकि कोरोना का टाइम था तो 1.5 साल हम लोगों का ऑनलाइन क्लास चला। ऑनलाइन क्लास में भी 9 to 5 क्लास चलता था हम लोगों का, 7 घंटा क्लास चलता था शुरू में फर्स्ट ईयर वाले को के लिए। उसके बाद ही मतलब SSC का मैं तैयारी करते रहा, SSC का भी साइड से तैयारी करते रहा। लेकिन जब ये ऑफलाइन क्लास शुरू हुआ, जब यहाँ आने के बाद जब मैंने लॉ को समझना शुरू किया, तब मुझे पूरी तरह मतलब ये हो गया कि अब कैरियर बनाना है तो लॉ में ही बनाना है। फिर और बहुत सौभाग्य, मैं अपने आपको बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मालवीय जी की बगिया में रहने का अवसर प्राप्त हुआ मुझे और ये भगवान दास हॉस्टल में मुझे रहने का मौका मिला, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत चर्चित है, इस पर साहित्य भी लिखा गया है, बनारस टाकी जो कि बहुत फेमस है सत्य व्यास जी के द्वारा, जिनको मॉडर्न हिंदी का मतलब विख्यात कवि हैं वो। यहाँ पे आने के बाद मतलब पूरी तरह जीवन में बदलाव हो गया और बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरा मतलब लॉ फैकल्टी में पढ़ने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ और यहाँ पर रहने का मौका मिला। देखिए, सबसे बड़ी ये चीज़ है कि हम लोग का जो बैच 20 से 2023 तक चला, इसमें हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पढ़ने का मौका मिला। ऑनलाइन में हम लोग ये समय बच जाता था, सेल्फ स्टडी करने का टाइम मिलता था, ऑफलाइन में हम लोग क्लास आना जाना और क्लास कंटिन्यू मतलब एक ना एक क्लास गैप रहती ही है, इससे क्या होता है कि परेशानी होती है, लेकिन ऑफलाइन बेटर हम लोग को लगता है। ऑनलाइन में ये हुआ था कि हम लोग मेंस लिखने का तरीका नहीं जानते थे, अपने से ओपन बुक था, एग्ज़ाम छाप देते थे, इधर से उधर से जो पढ़े रहते थे लिख देते थे, क्या लिखना है क्या कंटेंट चाहिए ये पता नहीं चलता था। ऑफलाइन में क्या हुआ कि टीचर हम लोग को बताएं क्या लिखना है, कैसे कॉपी जाँच होती है, हम लोग को मेंस की जुडिशरी मेंस तैयारी करने का इससे ज़्यादा अनुभव पड़ा, सबसे पहले ये बात है ऑफलाइन होने का। ऑनलाइन क्या था कि हम लोग को कोई मेंस का कोई तरीका नहीं, पैटर्न नहीं पता चलता था, टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं हो पाते थे, क्या कंटेंट चाहिए क्या नहीं चाहिए इस सब की जानकारी नहीं हो पाती थी। और जहां तक बात है कि लॉ फैकल्टी कंटिन्यू सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक क्लासेज चलती हैं, और इससे क्या होता है कि इसीलिए इसको BHU को फैक्ट्री ऑफ जज कहा जाता है, और काफ़ी इससे अनुभव प्राप्त होता है कि इतना क्लास करने के बाद बच्चे अगर 3 घंटा भी कंटिन्यू डेली पढ़ते हैं तो अपने मतलब फ्यूचर के लिए अच्छा ही करते हैं। एक बहुत चर्चित एक बात है, लोग कहते हैं कि कुछ नहीं किया तो लो कर दिया, ये सारे लोगों का एक कहना होता है, आप इस बात में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं किया जा सकता। लॉ का पढ़ाई बहुत ही विख्यात पढ़ाई है, इससे आप सोसाइटी में बैलेंस बनाते हैं। एक अच्छे अधिवक्ता और एक अच्छे जज का कर्तव्य होता है कि आप सोसाइटी का तालमेल बनाए रखें। वैसे BHU के बारे में बात किया जाए तो यहाँ LLB ओनर्स 3 साल का BA LLB जो 5 वर्षीय कार्यक्रम है, LLM 2 वर्ष का, बहुत सारे LLM के डिप्लोमे और यहाँ PhD और रिसर्च के भी कार्य होते हैं। इसीलिए BHU एक अपने आप में एक संपूर्ण संस्थान है जो एक बेहतर समझ के साथ आपको हर चीज़ में, जैसे कि हर सेक्टर में जाने का मौका देता है
और आप लोग का अच्छा समझ बना के अपने देश को और अपने लोकतंत्र को बचाने में और उसको ऊपर उठाने में, देश के भविष्य को बनाने में भी आप अपना सहयोग देते हैं। तो ला का पढ़ाई एक प्रोफेशनल कोर्स है, इसको करने से आप अपनी समझ भी बढ़ाते हैं और अपने जीवन जीने का तरीका और सोसाइटी में बदलाव लाने के तरीके भी आप यहाँ से बनाते हैं। जैसे आपने कहा कि जो कुछ नहीं करते हैं वो लॉ करते हैं, इस बात पे मैं अपना एक रिएक्शन रखना चाहता हूँ कि हमको इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश में ऐसे ऐसे भी अधिवक्ता रहे हैं, जैसे हमारे राम जेठमलानी सर थे, अभी कुछ दिन पहले गुजर गए, और अभी हमारे कपिल सर हैं, कपिल सिब्बल सर, जिन्होंने UPSC क्वालिफाई करके IAS की नौकरी छोड़ दिया और वो अभी एडवोकेसी कर रहे हैं। तो इस चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए। बाकी हर चीज़ हर इंसान के कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप अपने को किस लायक बनाए हैं। और लॉ करने से एजेटिव एक इंसान कुछ नहीं बनता है तो सफल नागरिक बन सकता है। और सबसे बड़ी बात होती है इंसान को एक अच्छा व्यक्तित्व वाला इंसान बनना। अगर वो आप इंसान अच्छे बन गए तो समझिए कि आपका जन्म लिया हुआ यहाँ पे सिद्धकार होता है और आप एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। वैसे अधिवक्ताओं के लिए अगर ये बात किया जाए कि जो कुछ नहीं करते वो लोग करते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी जी जो हमारे देश के फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने भी वो बैरिस्टर का पढ़ाई किया था और उसके बाद में जो हमारे जो लोकतंत्र में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसमें भी बहुत सारे लोगों ने लो किया हुआ था और वो अधिवक्ता रहे थे। तो लो का हमारे देश के अपलिफ्टमेंट में बहुत ज़्यादा योगदान है, तो हमें ये चीज़ नकार नहीं सकते। लो का पढ़ाई अपने आप में एक संपूर्ण पढ़ाई है। अगर आप लो का पढ़ाई करते हैं तो ये सोच लीजिए कि आपको दूसरी चीज़ों में मैनेजमेंट करना होगा, लेकिन आप पढ़ाई के लिए 12 घंटे या 8 घंटे आपको कम से कम देना होगा। लॉ ऐसी पढ़ाई है ना कि ये जीवन पर्यंत पढ़ना है, जब तक आप जिएंगे तब तक पढ़ना है। अगर आप लॉ करने आए तो उसी टाइम अपने माइंड मेकअप कर लीजिए कि हमको जीवन भर पढ़ना है, ना कि एक दिन पढ़ लिए, दो चार दिन पढ़ लिए, कोई वन डे एग्जाम दे के निकाल लिए, उसके बाद हमको पढ़ाई से छोड़ देना है। इसमें ये ऐसा कोर्स है ना और ऐसा ये प्रोफेशन है कि हमेशा आपको किताबों से जुड़े रहना है जब तक आप जिंदा हैं। अभी जब हम लॉ की पढ़ाई पढ़ रहे थे, हमको याद है जब हम फर्स्ट सेमेस्टर में थे, हमारे एक प्रोफेसर रजनीश पटेल सर, उन्होंने कहा था कि जब दुनिया के हर इंसान सोता है तो एक अधिवक्ता रात भर पढ़ता है, जगता है, मेहनत करता है एथिक्स वाले सब्जेक्ट में। ये हकीकत है कि जब दुनिया सो रही होती है तो एक अधिवक्ता, एक सफल अधिवक्ता रात को अपनी किताबों से जग के पढ़ रहा होता है, क्योंकि उसके फिक्र होती है कि इस समाज को कैसे न्याय दिलाया जाए, इस समाज को कैसे ऊपर उठाया जाए। उसके लिए वो दिन रात पढ़ाई करता है, ना कि वो अपने खुद के लिए पढ़ता है। खुद के लिए वो तो लॉ कर लिया तो इतना कैपेबल हो गया कि वो खुद का अपना काम तो उसका चल ही जाएगा, लेकिन ये उसका खुद का कोई पर्सनल हित नहीं होता है, ये सिर्फ दूसरों के लिए होता है, समाज सेवा होता है। जो एक अधिवक्ता के पास पूरा, जैसे आपने इथिक्स में भी पढ़ा होगा 7 लीप्स ऑफ द एडवोकेसी, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि एक एडवोकेट कोरेजियस होना चाहिए, एक एडवोकेट के पास साहस होना चाहिए, कोई चीज़ एबिलिटी होना चाहिए करने के लिए, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक एडवोकेट के पास, एडवोकेसी के पास होना चाहिए और होता भी है, क्योंकि उसके पास एक अलग लेवल का जुनून हो जाता है जो उसके अंदर से इंसाइट करता है, मोटिवेट करता है। क्योंकि एक अधिवक्ता को किसी मतलब आउटरनल मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती है, उसके सेल्फ इंस्पिरेशन इतना होता है को अपने आप को बहुत अपर ले जाना चाहता है और बहुत खुद के प्रेरणाओं से बहुत आगे बढ़ना चाहता है। वैसे अधिवक्ताओं के रूप में बात करें तो BHU में लीगल सेल चलता है, और मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पे कि जो छात्र यहाँ से LLB करके निकलते हैं या BA LLB करके निकलते हैं, अगर उनको कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही हो तो उनको लीगल फील्ड में, जैसे वो गांव से आते हैं तो उनको गांव में लीगल हेल्प देना चाहिए, जैसे वो छोटे कस्बों से आने तो उन्हें फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराना चाहिए, ताकि उनका भी भविष्य बन सके और उन लोगों को जो न्याय के प्रति, जैसे न्याय को पाना बहुत महंगा कार्य है, न्याय को आप आसानी से नहीं पा सकते, न्याय के लिए बहुत लड़ाई करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो हमारे देश के जो नए एडवोकेट हैं या जो नए बनने वाले एडवोकेट हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि हमें न्याय कैसे प्रदान करना है और सोसाइटी में कैसे उनको एक समान बनाना है, ताकि न्याय सिर्फ अमीर लोगों का या जो पैसे वाले लोग हैं उन्हीं के हाथ का कोई खिलौना ना बन जाए। और आप ही के चैनल के माध्यम से हम लोग जैसे मालवीय जी के मतलब बगिया में रह रहे हैं, तो एक बात और कहना चाहता है कि आज हमारे पूरे देश में जितने भी जिस इंसान को भी मतलब पैसों के चलते न्याय नहीं मिल सका है, तो हम बनारस के जितने भी BHU के छात्र छात्राएं हैं और यहाँ से खास करके चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर के हो, सेकंड सेमेस्टर के हो, या अभी हम लोग मतलब 2 महीने के बाद एज एडवोकेट हम लोग कोर्ट में इनरोल्ड हो जाएंगे, तो जिनको पैसे के चलते और गरीबी के चलते न्याय नहीं मिल सकता है, उन लोगों के लिए हम सभी भाई बहन जो हैं
हमेशा तत्पर रहेंगे सेवा करने के लिए, कभी भी किसी भी समय उन लोगों के लिए कार्य करने के लिए और निःशुल्क कार्य करने के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। और उससे हम लोग मानेंगे कि हम लोग को एक बहुत अच्छा अवसर मिला जो हम लोग को कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। वैसे अगर BHU के एकेडमिक्स की बात की जाए तो जो छात्र यहाँ पढ़ाई के लिए इनरोल होते हैं उनको सबसे पहले बेयर एक्ट का अध्ययन करना चाहिए, अपने प्रोफेसरों से मार्गदर्शन लेना चाहिए, जो छात्र एक दूसरे नोट्स बनाते हैं उनको ग्रुप में बैठ कर स्टडी करना चाहिए, लेकिन उनको किसी दूसरे के पर्सनल नोट्स पर भी इतना रिलाई नहीं करना चाहिए और उनको बेयर एक्ट पढ़ना चाहिए, नए नए केस लॉ जो आ रहे हैं उनका पढ़ाई करना चाहिए, मूट कोर्ट कंपटीशन में भाग लेना चाहिए, इंटर्नशिप के लिए एनरोल होना चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो हम फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है, लेकिन उनको अपना समय निकाल कर अगर हम ला के प्रोफेशनल में आ गए हैं तो हमको एक अच्छा एडवोकेट बनने के लिए जो सभी चीज़ें ज़रूरी हैं वो सब करनी चाहिए। ये बताइए कि अभी हम लोग फर्स्ट जो लोग फर्स्ट ईयर में रहते हैं, आप लोग अभी थर्ड ईयर में हैं, तो इंटर्नशिप सब जो होता है हम लोग कई बार इंटर्नशिप हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, तो इसके लिए कैसे करना है या फिर इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर में करना अच्छा है? इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों के लिए, थर्ड ईयर में आप शायद नहीं कर सकते हैं जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि इंटर्नशिप का जो फॉर्म निकलता है ये यूनिवर्सिटी से मतलब एकेडमी से जो ये लेना पड़ता है, रेस लेके जाना पड़ता है इंटर्नशिप के लिए, 20 दिनों का टाइम मिलता है। उसी समय दो इंटर्नशिप निकलता है, एक विंटर इंटर्नशिप और एक समर इंटर्नशिप। समर जो इंटर्नशिप होता है शायद जून के आसपास होता है, विंटर इंटर्नशिप जो होता है दिसंबर के आसपास होता है, शायद ये 20 या 21 दिन का कार्यक्रम होता है पूरा इंटर्नशिप। इंटर्नशिप के लिए आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर और LLM के छात्र हैं तो भी आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अच्छा ये होता है कि आप सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के छात्र हैं तो आपको इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाता है। आपको जैसे इंटर्नशिप के लिए आपको ऑनलाइन भी सर्च करते रहना चाहिए, जैसे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में इंटर्नशिप निकलता है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ अपना लीगल ड्राफ्टिंग का इंटर्नशिप कराता है, सालसा वाले निकालते हैं, डालसा वाले निकालते हैं। उसके अलावा आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे नए 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़ साहब, उनके ऑफिस में भी इंटर्नशिप का प्रोग्राम निकलता है, तो आप वो सभी प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने फैकल्टी में रिकमेंडेशन लेटर बनवाना पड़ता है और उसको पोस्ट के जरिए आपको वहाँ भेजना पड़ता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है कहीं बार और कहीं बार नहीं होता है, और आपको उसी में इंटर्नशिप करना पड़ता है। इसके बाद आपको एक फाइनल रिपोर्ट भी सबमिट करना पड़ता है, तो यही इंटर्नशिप का प्रोग्राम होता है। आफ्टर LLB और BA LLB क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रह जाते हैं हमारे पास कि हम लोग ज्वाइन कर सके? देखिए, जैसे जब आप LLB या BA LLB कर लेते हैं तो आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं या बहुत सारे प्रोफेशन में आप जा सकते हैं, जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनीज आपको हायर करती हैं, आप अपने खुद के एडवोकेट्स के रूप में काम कर सकते हैं, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं जुडिशरी का, आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं, उसके बाद बहुत सारे ऐसे काम जैसे आप पेटेंट ऑफिसर बन सकते हैं, तो ट्रेडमार्क ऑफिसर बन सकते हैं, पेटेंट एजेंट बन सकते हैं, आप जैसे बैंक में किसी भी IBPS बैंक में आज लॉ ऑफिसर के लिए आता है वो भी पोस्ट कर सकते हैं, आप जैसे किसी भी आर्मी में भी लॉ जैग का पोस्ट आता है वहाँ भी आप ऑफिसर के जुडिशियल मतलब ऑफिसर में हो सकते हैं, रेलवे में जुडिशियल हो सकते हैं, मतलब विभिन्न इसका मतलब इतना ज़्यादा स्कोप होता है कि आप पूछिए मत। आज के डेट में ईच एंड एवरी सेक्टर विदाउट द लीगल दिस दैट कैन नॉट सक्सीड इन द मार्केट एंड दैट कैन नॉट एग्जिस्ट इन द मार्केट। जैसे आप कहते कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी है उसको कॉपीराइट रजिस्टर कराना है, पैटेंट रजिस्टर कराना है, ट्रेडमार्क लेना है, सभी चीज़ों के लिए बिना एक लीगल नॉलेज वाले इंसान के लिए कैसे पॉसिबल है? सब कुछ तो सब कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि आपने 3 साल पढ़ाई किया है, 5 साल पढ़ाई किया है, एक उम्र को खपत किया है, ये 3 साल की पढ़ाई नहीं होती है। आप एडवोकेसी के लिए 10th या 12th में ही मेंटेलिटी प्रिपेयर हो जाते हैं कि हमको क्या करना है, अब उस समय से आप उसी फील्ड में मेहनत करने लगते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेट में जैसे हर स्टेट का जुडिशियरी होता है, APO होता है जैसे असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर अफसर होता है, बैंक में आप लीगल फर्म में हो गया या कोई अपना लीगल फर्म चला सकते हैं, खुद का लीगल ऐड दे सकते हैं, तो विभिन्न सेक्टर में डिफरेंट सेक्टर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होती है। अपॉर्चुनिटी को लेकर यहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं है, आप जिस फील्ड में चाहें उस फील्ड में अपनी स्कोप को बना सकते हैं। ये आदमी के पर्सनल कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि आप किस योग्य हैं, आप जिस योग हैं वो आप वहीं पे अपना कैपेबिलिटी बनाकर वहीं पे आप अपना अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सकते हैं एज एडवोकेट। बहुत अच्छा आपने ये इन्फॉर्मेशन दिया, हम लोगों के लिए बहुत काम आने वाली है, क्योंकि अभी हम लोग सोच रहे हैं इंटर्नशिप करें या फिर आफ्टर LLB हमें भी अपना फ्यूचर बनाना है लॉ में, तो ये आपका इन्फॉर्मेशन बहुत काम आएगा। दूसरी बात, LLB में BHU में एक ही होता है कि ये जज फैक्ट्री है तो हमें जज बनना है,
तो हमें एक जर्नी स्टार्ट हो जाता है सेकंड ईयर से कि हमें जुडिशियरी के लिए तैयारी करना है, तो कैसे स्टार्ट करें या फिर अपने मेंटेलिटी कैसे क्रिएट करें कि आगे जाके हमें जुडिशियरी के लिए तैयारी करना है? जुडिशियरी का जो तैयारी करना है वो मतलब अगर आपको करना है जुडिशियरी, मतलब जितने ज़्यादातर जो लड़के आते हैं बीएचयू में वो जुडिशियरी मतलब उनका पहले से ही मेंटेलिटी होता है कि जुडिशियरी क्रैक करना है, तो वही लड़के यहाँ पे आते हैं क्योंकि पहले से मतलब इसलिए ताकि बीएचयू जो लॉ स्कूल है बीएचयू का, इसको जो फैक्ट्री ऑफ जजेस कहा जाता है इसीलिए मतलब, और जो लड़के आते हैं मतलब उनको फर्स्ट ईयर से ही ये बना लेना चाहिए तैयारी के लिए कि कैसे करना है। और जहाँ तक ये बात है एग्ज़ाम का, तो मतलब इनफ है यहाँ की पढ़ाई तो इनफ है जुडिशियरी क्रैक करने के लिए। बीएचयू के स्टूडेंट छात्र में जो भी हैं, आप फर्स्ट सेमेस्टर से ही सेंसियर हो जाइए और फर्स्ट सेमेस्टर से ही आप सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट, जैसे आईपीसी पढ़ रहे हैं, सीआरपीसी पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, टॉट पढ़ रहे हैं और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, अपने राइटिंग में बनाइए, अपना नोट्स होना चाहिए, उसको पढ़िए और उसको रिवाइज करिए। और थर्ड ईयर तक ऐसा ही अगर कर रहे हैं, आप हर प्रेजेंटेशन को दे रहे हैं, हर मिड टर्म को अच्छे से आप उसको सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए 3 साल काफ़ी है। आपको किसी भी कोचिंग, कोई भी इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम लोग दवा के साथ कह सकते हैं कि यहाँ की पढ़ाई काफ़ी है, आप किसी भी मतलब किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए भारत के आप उस योग्य हो जाएंगे 3 साल में, लेकिन बशर्ते आपको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर समय देकर आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आपने बात किया कि यह जजेज ऑफ फैक्ट्री कहा जाता है बीएचयू को, लेकिन मेरा मानना है कि जो लड़के यहाँ एडमिशन लेते हैं वो फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट होते हैं, जैसे फर्स्ट जनरेशन लोअर होते हैं अपनी फैमिली में, तो उनको एडवोकेसी में इतना नहीं लगता कि वो एडवोकेसी में इतना अपना सफल भविष्य बना पाएंगे, तो इसी मेंटलिटी के चलते वो अपना तैयारी करते हैं और वो इतना अच्छा तैयारी करते हैं कि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उनका जुडिशरी का एग्ज़ाम निकल जाता है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक मेन कारण है कि एडवोकेसी में बीएचयू को जजेज ऑफ फैक्ट्री कहा जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर्सनल रूप से महसूस किया है। बाकी यहाँ के स्टूडेंट, यहाँ के प्रोफेसर्स, यहाँ के जो भी मैनेजमेंट में लोग लगे हुए हैं बहुत अच्छे लोग हैं, यहाँ अपना घर जैसा अपनापन लगता है और बीएचयू का लश ग्रीन कैंपस है जो आपको एक बहुत ही अच्छा आनंद की अनुभूति कराता है और आपको जैसे कि हरियाली में आपको अच्छा भी लगता है, अच्छा महसूस होता है, तो आप उसी हिसाब से अपना पढ़ाई भी अच्छा कर पाते हैं। आप लोगों का जो जर्नी था हॉस्टल लाइफ, ये कैसा रहा था? तो बीएचयू का देखा जाए तो बीएचयू में बहुत सारे फैकल्टीज हैं और सबके अलग अलग हॉस्टल्स हैं, तो यहाँ पे अपनापन जैसा लगता है, तो हम कई बार दूसरे हॉस्टलों में भी चले जाते हैं, दोस्त बना लेते हैं, जैसे कहीं जैसे कोई संगीत कार्यक्रम हो रहा है तो वहाँ चले जाते हैं, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है तो वहाँ भी चले जाते हैं, जैसे स्पोर्ट्स के कार्यक्रम हो रहे तो वहाँ भी चले जाते हैं, फ्रेंडली मैच भी ले लेते हैं किसी के साथ, और यहाँ पे विश्वनाथ टेम्पल भी है वहाँ भी घूमने चले जाते हैं। तो ऐसा ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है, लेकिन मेरा एक सजेशन ये भी है कि आप सिर्फ यहाँ की सुविधाओं, भौतिक सुविधाओं का मज़ा लेने में ही नहीं रहे, क्योंकि आनंद इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप पढ़ाई से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप पढ़ाई करना ही भूल जाते हैं। तो आप सौरभ बताएंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी, सबसे पहले जब मैं हॉस्टल आया, तो इससे पहले जब मैं आया था तो किसी वजह से मुझे हॉस्टल मिल नहीं पाया था, तो क्या हुआ कि मैं मतलब हॉस्टल से बाहर रूम किराए लेके रहता था, मतलब टेक्निकल प्रोसेस की वजह से मतलब नहीं मिल पाया था। तो जब मैंने ये किया तो ये पता चला कि अगले जब नेक्स्ट जो लिस्ट आएगा उसमें तुम्हारा नाम ऐड कर दिया जाएगा, तब जाके मुझे जब हॉस्टल मिला तब मुझे पता चला कि मतलब बीएचयू जितनी सुविधाएं देता है शायद ही किसी यूनिवर्सिटी में इतनी सुविधाएं मिलती है, जैसे कि स्टूडेंट हेल्थ सेंटर है, किसी भी प्रकार का इलाज कराना वो मुफ्त इलाज होता है हम लोगों का, दवा मुफ्त मिलता है जितना, फिर हम लोगों की बस सुविधाएँ हैं जैसे कि यहाँ से हर आधे घंटा पे बस मिलती है हम लोगों को, ठीक। अब बगल में विश्वनाथ टेम्पल है, बीटी है, वहाँ पे जैसे हम लोग सुबह दर्शन करने जाते हैं लोग, और भी मतलब बहुत सारे ये घूमने के लिए है, और सुविधाओं का तो मतलब क्या कहना है मतलब यहाँ पर। यहाँ भगवान लॉ फैकल्टी में आई थिंक थर्ड ईयर आते आते सबको हॉस्टल मिल जाता है शायद। वैसे देखा जाए तो ज़्यादातर लड़कों को हॉस्टल की सुविधा मिलती है, लेकिन सबको हॉस्टल मिल पाना इतना 100 लोगों को सब लोगों को हॉस्टल मिल पाना सहायक नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे एक सीट है, यहाँ पे 300 लोगों का ही हॉस्टल मिलता है, लेकिन बीएचयू 300 लोगों को हॉस्टल नहीं, 350 एक बैच में लड़के होते हैं, और हॉस्टल जो है नीचे 7 कमरा है और ऊपर 60 कमरा है, और मतलब मिलता है तो 120 ही लोगों को हॉस्टल मिल पाएगा।
120 जो सीट होता है वो फर्स्ट ईयर के लिए इनरोल होता है और 120 जो सीट होता है वो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए इनरोल होता है। तो उस स्ट्रेंथ को देखते हुए उस हिसाब से मुझे लगता है कि 60% लोगों को हॉस्टल मिल जाता है। आप आइए VHU में, यहाँ का एंट्रेंस निकालिए और आप यहाँ के यहाँ पे पढ़ाई कीजिए, यहाँ पे ईमानदार नागरिक बनिए, सभ्य नागरिक बनिए और देश के भविष्य और अपने और अपने परिवार के भविष्य को आप उज्ज्वल करिए और मालवीय जी की बगिया में आप पढ़ने का आनंद लीजिए। और मेरा तो यही कहना है, आप आइए यहाँ पे, अच्छे नागरिक बनिए। अंत में यही कहना चाहेंगे कि जिसको भी मतलब जो भी जिसके भी माइंड में है कि BHU का लॉ का एंट्रेंस दे तो अच्छे से तैयारी करे और यहाँ आए और देश का एक अच्छा और सभ्य नागरिक बने और मालवीय जी के विचारों पे विचारों को अपनाएं। थैंक यू सो मच फॉर योर दिस प्रीशियस टाइम एंड इंटरव्यू। उम्मीद करेंगे आप लोगों का जर्नी बहुत अच्छा रहा और ये अंतिम दिन भी अच्छा ही जाए और आप लोग भी एक अच्छा विकसित बन जाए, कुछ प्लेसमेंट हो जाए आप लोगों का भी कुछ। ऑन द थैंक्स गिविंग नोट आई एम वेरी गिविंग थैंक यू टू मिस्टर एमिल, उन्होंने ये इंटरव्यू लिया है तो हो सकता है कि ये इंटरव्यू लोगों के काम आए, नए आने वाले विद्यार्थियों के काम आए। इसी आशा के साथ हम इसको यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच।